नमस्कार दोस्तों, बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम चर्चा करेंगे फार्मा सेक्टर ऑफ इंडिया के बारे में। हमने अलग अलग सेक्टर्स के बारे में जाना। कोई भी सामान्य निवेशक को सेक्टर के बारे में जानना इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि जब एक सेक्टर की दिशा पता चल जाती है तो जो कंपनी उसने चयनित करी होगी उसमें निवेश करने के लिए क्या सही कारण बनते हैं और वो अपना निर्णय सही जगह पर और सही समय पर लेने की क्षमता प्राप्त कर जाता है या उसे मदद जरूर होती है। हम चर्चा करेंगे फार्मा सेक्टर ऑफ इंडिया के बारे में। इसके पहले कि ये बताना चाहूँगी कि ये सारे सत्र आप तक बीएससी आईपीएफ और सेबी लेकर आ रहा है, सो सत्र के अंत में उन्हें भी धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। आइए चर्चा करते हैं फार्मा सेक्टर की। जब हम फार्मा सेक्टर की बात कर रहे थे तो भारत इस क्षेत्र में कहाँ खड़ा होता है, तो जब जेनेरिक मेडिसिन की बात आती है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करने वाला कोई देश होगा तो उसमें अग्रक्रम पर भारत की बात आती है। वैक्सीन में भी 50% से ज़्यादा दुनिया को जब वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है तो 50% से ज़्यादा सप्लाई कोई करता है तो वो भारत देश करता है। दुनिया में जितने भी जेनेरिक ड्रग्स एक्सपोर्ट होते हैं उसमें 20% का अहम वॉल्यूम ये भारत कंट्रीब्यूट करता है। 40% जेनेरिक की डिमांड अमेरिका की ये भारत प्रोवाइड करता है। 25% यूके की ये भारत प्रोवाइड करता है। 60,000 से ज़्यादा जेनेरिक ब्रांड्स हमारे देश में है। 3,000 से ज़्यादा कंपनियाँ जिसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स हो गए, फिर बल्क ड्रग्स हो गए, फिर क्रिटिकल ड्रग्स हो गए, कोई कंपनियाँ जो फिनिश प्रोडक्ट बनाती है, फॉर्मलाइजेशन करने के भी यूनिट्स होते हैं। सो 3,000 कंपनियाँ हमारे देश में हैं। हम जितना भी इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल या बाकी सारी चीज़ें उसमें से 70% हम चाइना से करते हैं, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये सिचुएशन बदल चुकी है। एपीआई एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स के बारे में हमने जब भी बात करी थी, हमारा चाइना और इटली के बाद तीसरा नंबर लगता है। सो हम ये जान पा रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल्स में दुनिया में भारत ऑलरेडी एक अच्छे पायदान पर खड़ा है। ऐसे में चाइना ने लो कॉस्ट प्रोडक्शन के चलते हमारे यहाँ से काफ़ी सारा मार्केट छीन लिया था। काफ़ी सारा मार्केट बल्क ड्रग्स का तो भी चाइना में शिफ्ट हो गया था और हम लोग इंपोर्ट्स में भी चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, लेकिन आज पैंडेमिक के बाद सिचुएशन बदल गई है। कई ग्लोबल देशों को अपनी डिपेंडेंसी एक देश पर रखनी नहीं है, करके भी वो भारत की तरफ देख रहे हैं। और ऐसे में हमारे यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अमेरिका से 33% कम है। चाइना और अमेरिका का ट्रेड वॉर ये किसी से छुपा नहीं है, दुनिया को पता है। ऐसे में भारत को क्या क्या एडवांटेजेस है, तो भारत को एडवांटेज ये है कि हम लो कॉस्ट तो है ही, चाइना की तुलना में कॉम्पिटिटिव है नहीं शायद, लेकिन उस पर भी काम हो रहा है। R&D पर अच्छा खासा काम हो रहा है ताकि हम एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव बने। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी हम लोग $20 बिलियन टच कर चुके हैं। इकोनॉमिक ड्राइवर है हेल्थ इंश्योरेंस, हमारे देश में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेट होगा वैसे वो भी एक डोमेस्टिक डिमांड निर्माण हो जाएगी। हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं लेकिन डोमेस्टिक डिमांड को भी ड्राइव करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा काम कर जाएगा, जो कि पेनिट्रेट हो रहा है, प्रक्रिया में है। पॉलिसी सपोर्ट निसंदेह गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स के बारे में अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे, लेकिन दुनिया में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा प्रयत्नरत है। 100% FDI भी अलाउ कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट्स हमारे यहाँ पर बढ़ रहा है। FDI का इन्वेस्टमेंट जब भी कभी हमारे देश में आता है या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हमारे जब भी कभी देश में आता है तो टेक्नोलॉजी के साथ आता है। बहुत बार टेक्नोलॉजी की मदद होती है, R&D की मदद होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फाइनल आउटकम में फ़ायदा देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर पिछले 20 साल में लगभग $17 बिलियन, $16.5 बिलियन इतना FDI का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा और यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है। YouTube चैनल पर जाकर आप जरूर देख सकते हैं। इसी विषय को अगले सत्र में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।